ओम श्री परमात्मने नमः, श्री कृष्णाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री प्रबोधानंद जी की कथा सुनेंगे। ये भगवान के प्रेम में ही निरंतर डूबे रहते थे। बड़े रसिक संत थे और आनंद कंद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री प्रबोधानंद जी एक भगवान के परम भक्त थे। इनका जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदायी वैष्णव थे, यानी कि इनकी जो संप्रदाय थी, गुरु परंपरा, वह श्री जी थी, यानी कि लक्ष्मी जी, और ये परम वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर सपरिवार निवास करने लगे। इनके बड़े भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम श्री त्रिमल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु यानी कि चैतन्य महाप्रभु एक समय तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। सभी भगवान के जो भक्त हैं वो तो हैं ही हैं, और जो अभक्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाकर और उनके भजन को सुनकर उनके बहुत से भक्त बन गए। जब इनको श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को मालूम हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं, वे बड़े प्रेम से उनको अपने घर पर ले आए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु। उनके बड़े भैया भी साथ में गए। दोनों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, आप चातुर्मास हमारे घर पर रहकर ही बिताएं, आपको किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु ने इनकी बात मान ली और वहीं पर उन्होंने सपरि रहकर भक्तों के साथ चातुर्मास व्रत को पूरा किया। फिर भट्ट परिवार महाप्रभु के प्रेम से प्रभावित होकर उन्हीं के चरणों में उनका ध्यान लग गया, उन्हीं के आश्रित हो गए। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत हुए। आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के ये प्रिय सेवक थे। इन्होंने श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव किया, यानी कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण की लीलाओं को ये प्रत्यक्ष देखते थे, उनका अनुभव करते थे। उनका इन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णन किया, तथा प्रिया प्रियतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया, अपने नैनों में बसा लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में इन्होंने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रज रस के परमानंद को जो भक्तजन हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए इन्होंने सुलभ कर दिया। जो पहले वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे, अब वे सब जानने लगे। तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्म के आचरण को आपने त्याज्य बताया, यानी कि जिसमें भक्ति नहीं है, भक्ति के बगैर मनुष्य का जीवन बेकार है, इसलिए भगवान की भक्ति ही करना चाहिए।
क्योंकि भगवान की भक्ति ही मनुष्य के साथ में रहती है, बाकी तो आता है और चला जाता है। इस प्रकार से आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांतों को पढ़ पढ़ कर एवं सुन सुन कर करोड़ों भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम रंग प्राप्त किया, भक्तों ने प्रेम रस में रम गए। श्री वृंदावन धाम वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, यानी कि वृंदावन में ही निवास करने लगे। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की महिमा का गान करते हैं। इस कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।